हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, निफ्टी का वही चार्ट सेम चला आ रहा है, ये क्लस्टर चला जा रहा है, इसी क्लस्टर में ये घूमता रहेगा। इसकी ट्रेन जो है ना, बहुत छोटी और बहुत वाइल्ड स्विंग्स इंट्राडे के लिए रहेंगे कि ये शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी दोनों जगह एसएल काटेगा। तो ये देखिए, इसमें देखिए ये इसकी रेंज देखिए कितनी नैरो हो चुकी है। और आप देखेंगे ना, ये थ्री इनसाइड के अंदर होगी, 1 2 3, ये तीसरा दिन भी इसके इनसाइड चला गया और ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ये नीचे से एक बेस चले आ रहा है। तो 1 2 दिन में देखिए, या कल या नहीं तो परसों एक्सपायरी को ये जिस भी जगह शॉर्ट नीचे जाता है तो ये विक्स को मतलब रीटेस्ट करेगा, और ये ऊपर जाता है तो ये विक्स को रीटेस्ट करना चाहिए। तो एक बड़ा मूव आने की एक्सपेक्टेशन है, मार्केट इज़ वेटिंग फॉर द, मेरे ख्याल तो एक्सपायरी के लिए वेट कर रही है। तो हो सकता है कल भी आ जाए, और नहीं तो एक्सपायरी को तो मोस्ट प्रोबेबली आना ही चाहिए। ये देखिए, ये एक इसका बेस है नीचे से, और ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है ऊपर से, तो ये एक काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं तो इसको अब फटना है, कल फटेगा या परसों फटेगा। कल भी अगर इसी साइड में रह गया, अगर इस रेंज के ऊपर कहीं ये कल खुलता है तो सीधा सीधा ब्रेकआउट होगा, और या तो फ्लैट खुल के अगर तोड़ता है तो सबसे अच्छा है। तो ये आपका पहला टारगेट रहना चाहिए। तो टारगेट छोटे छोटे हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ऊपर, तो मार्केट कहीं नहीं जा रही। मार्केट मेरे को तो नहीं लगता कल भी कहीं जाए, और नीचे ये स्विंग है, जब तक ये स्विंग मेंटेन हो रहे हैं तो सेलिंग तो इतनी आएगी नहीं। जब तक ये स्विंग नहीं ना ब्रेक होंगे तब तक सेलिंग आनी नहीं चाहिए। तो मार्केट कहीं नहीं जा रही मेरे को तो लगता है, जैसे बहुत 2 3 दिन से बहुत ही नैरो रेंज में बोरिंग मार्केट चल रही है, कल भी वैसे ही रहने की एक्सपेक्टेशन है। बट अगर ये यहाँ पे गैप डाउन खुलता है ना, तो ये इस रेंज के पास जब आता है रिट्रेस लेके, तब आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सीधा सीधा शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, मार्केट बहुत ही मतलब ना अल्टीमेट लेवल पे चल रही है। और ये स्विंग, अगर ये स्विंग पे कहीं ये खुलता है तो आप प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक स्विंग और है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा, और ये एक स्विंग है। अगर ये इसके पास पास कहीं बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो आप और देख सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए तो थोड़ा मुश्किल ही है। आपने वो निफ्टी बैंक में दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक में इसकी भी देखिए रेंज बहुत नैरो हो गई है, और ये देखिए इसके भी इन साइड कैंडल है। ये देखिए, ये इसका एक बेस है जहाँ से ये बाउंस कर रहा है, और ये इसका ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका ऊपर से। तो ये ऊपर वाला इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसी रेंज में रेजिस्टेंस से लेके ना अब नीचे सपोर्ट पे जाने के लिए ट्राई करेगा। डेली में देखेंगे ना, इसकी भी 3 4 इनसाइड कैंडल्स आ गई हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, काइंडली काइंड ऑफ 3 दिन के लिए ये आ गई है, और हैमर टाइप ऑफ बना हुआ है, तो एक बड़ा मूव आ सकता है। ये देखिए 3, तो ये अगर इसने बेस बनाया है, अगर इस बेस के नीचे निकलता है तो नीचे की विक्स ये ट्राई करेगा। जब तक ये विक्स के नीचे एक डेली की क्लोजिंग नहीं ना आती तो मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा। और एक ये इसका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, तो ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से आ जाके टकरा सकता है। तो मार्केट को 1 2 दिन ना बहुत अच्छी शार्प सेलिंग या शार्प बाइंग चाहिए, तो जाके इस क्लस्टर को छोड़ेगा। ये क्लस्टर बहुत गंदा है, बहुत लंबा क्लस्टर है, पहले भी ये क्लस्टर चल रहा था। तो इस क्लस्टर में ना बहुत स्मार्ट मनी बनने के चांसेस है, कि अगर आप थोड़ा सा आपको नॉलेज है ना तो मार्केट आपको खा जाएगी। तो ये देखिए, इसका भी एक ट्रेंड लाइन ऊपर से चली आ रही है और नीचे से बेस चला आ रहा है। तो अगर मार्केट ये यहाँ पे कहीं पे खुलती है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से आज भी इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे अगर रुक के ब्रेक करता है तो ये पहला टारगेट रहेगा आपका। और इसके बाद देखेंगे ना, तो ये स्विंग है, ये स्विंग जब तक मेंटेन हो रहा है आप शॉर्ट मत देखिए। जैसे ही ये स्विंग टूटता है, 15 20 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर ये नीचे कहीं गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है इस रेंज में लास्ट वाले स्विंग्स के आसपास जब ये खुलेगा ना, ये देखिए इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देखो आज इसने लिया है। तो ये लेट मी, हाँ ये देखिए, ये इसने ये रीटेस्ट किया है, और यहाँ से ये देखिए ये वाला जोन, जैसे ही ये छोड़ेगा ना, ये जोन छोड़ते सार ही ये नीचे वाले इस जोन में आ जाएगा। जैसे ये फ्लैट खोल के अगर खुलता है ना, तो ये जोन को पहले ही है ना रीटेस्ट करने के लिए करेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं छोटे छोटे टारगेट्स हैं, बहुत बड़े टारगेट आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मार्केट आप प्राइस एक्शन पे हो सकता है कि भाई अगर इस रेंज के पास आस पास कहीं भी खुलता है ना बैंक निफ्टी, तो आपको
वेट करना है कि यहाँ तक रिट्रेस हो। तो यहाँ पे रिट्रेस होने के बाद आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, सीधा सीधा शॉर्ट मत करना। तो एक ये है, अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप खुल जाए तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो। बाकी ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।